आपको सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सबको कि भाई लइकन के देखा जा, न तो आपन जिंदगी तो बीत गई। अगर बिहार देश होता तो दुनिया का छठवां सबसे गरीब देश होता, इतना गरीबी है यहाँ। हम चलत नहीं पैदल तो 100 गो लड़का दौड़त अड़सन, आधा लइकन के शरीर पर तो कपड़े नहीं थे। अगर बिहार देश होता तो वो दुनिया का छठवां गरीब देश होता। जी हाँ, नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। जन सुराज को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने आम लोगों से बात करते हुए कहा कि अगर बिहार देश होता तो वो छठा सबसे ज्यादा गरीब देशों में उसका नाम शामिल होता। जहां एक तरफ बिहार के जो युवा हैं वो अपने घर को छोड़कर मजदूरी करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ बिहार के हर घर में हर एक युवक जो है वो मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जा रहा है। मैं आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ये समझाने आया हूं कि बिहार की जो गरीबी की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है और इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही मिलकर रोक सकते हैं। जहां एक तरफ बिहार के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें पीलू वाला खिचड़ी खाना पड़ रहा है, तो वहीं बिहार के नौजवान जो हैं वो घर छोड़कर रोजगार के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें ये सारा कुछ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए कई सवाल उठाए, जहां उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता में खो चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी प्यारी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, हम छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ आपको। गद्दी नहीं है तो काहे के लिए गाना गा रहे हैं कि शिक्षा नहीं के भैया ठीक। जहां जाएंगे ये कहता बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई बात। तो शिक्षा व्यवस्था पर कभी वोट दिए हैं आप? नहीं दिए तो नहीं सुधरेगा। बोइएगा आम और बबूल तो आम कहां से खाइएगा? यह बतावे खातिर चलल बानी। आपको सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सबको कि भाई लइकन के देखा जा, न तो आपन जिंदगी तो बीत गई। अगर बिहार देश होता तो दुनिया का छठवां सबसे गरीब देश होता, इतना गरीबी है यहाँ। हम चलत नहीं पैदल तो 100 गो लड़का दौड़त अड़सन, आधा लड़कन के शरीर पर तो कपड़े नहीं थे। आधा लड़कों के शरीर पर कपड़ा नहीं, हवाई चप्पल नहीं है। रउआ आपन लड़का के दर्द नहीं के समझ में आवत। हमारा कहत आदमी कि भैया रउआ साथे लागल बानी, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा हो सकता वो हमारा साथ क्या दीजिएगा? हमको कोनो आपसे वोट लेना है? आपका एक कप चाय भी किसी का नहीं पीते हैं। गांव गांव जाकर हाथ जोड़ के समझा रहे हैं कि जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, और नहीं तो जीवन भर अपने बच्चों को मजदूर बनाकर घुमाइएगा। हमारे दादा मजदूर रहन, बैलगाड़ी चलावत रहन। बाबूजी पढ़ लिख के डॉक्टर हो गए तब ना हमें जा खड़ा बानी। आप 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेचिएगा, जात पर वोट दीजिएगा, तो आपका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? बिजली के बिल कैसे रवा दे पाए? लड़का जब पढ़ते नहीं थे, जब आपका बच्चा यहाँ पढ़िए नहीं रहा है तो पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर डॉक्टर कलेक्टर बनी कि मजदूर बनी? तो आपको चिंता होना ना चाहिए भाई। तो रहुआ एक चिंता नहीं करता, प्रशांत किशोर एक चिंता करी हन। यही से चलल बानी पैदल पैदल, सबके निहोरा करतन। अरे भाई जाको ना जगब तो पूरा देश में जहां जाता नहीं जाता कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया है और यहाँ के आदमी का आंखें नहीं खुल रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान लड़का घर का सामान बाहरी जाके मजदूरी नहीं कर रहा है 12,000-14,000 रुपया खाती। रुआ बताई हमरा के रुआ घर के सामान एक बार ही कोई साल में आवत तो छठ में तो रुआ 10 दिन 15 दिन भेंट होता, ना तो सालों भर रुआ मुंह देखे के नहीं के मिल दे। रुआ पेट काट काट के लड़का के पढ़ैनी, बड़ा के नेपाल पोस के 20-22 बरिस के हो गए तो पीठ पर झोला लेके चल गई। जहां रेलवे स्टेशन पर वह जाई, बस में जाई, भेड़ बकरी की तरह बिहार का लड़का जा रहा है मजदूरी करने 14,000-15,000 रुपया खाती। तनी कभी सोचनी है कि काहे यहां से लड़का जा रहा है?